आखिर कब तक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करोगे? कब तक उसकी गलतियां रहने के बावजूद भी खुद की गलतियां बताते फिरते हो? तो डर लगता है कि बात होगा कि नहीं कि होगा। यार हर बार खुद की इमेज मत गिराया करो, खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं एक बार सोचना। हर बार सॉरी यार मेरी गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती थी। किसी की भी हो भोसड़ी के, तू क्यों रोता है मेरे को ये नहीं समझ आता है यार। अरे यार तू क्यों रो रहा है, मोटिवेट कर रहा है भोसड़ी के, लास्ट में रो रहा है। अबे तू भेंचोद कैसा इंसान है, तेरा मोटिवेशन अगर महेश्वरी सुन ले ना एडमिट हो जाएगा वो। भोसड़ी कैसा मोटिवेट कर रहा है, हाँ रिलेशनशिप में थोड़ी भेंचोद सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आती है। चूत मारी के कभी गया क्या रिलेशनशिप में, तेरे को क्या झाटा मालूम है? हाँ भोस मारी ना भोका चौदा चूतिया साला भेंचोद, कहाँ से मादरचोद मालूम नहीं कैसा पैदा हो गया। तेरी माँ किधर है आज, हाँ बाजू में खड़ी रहती, किधर है आज, कुछ बोलती भी नहीं है इसको। मेरे को तुम लोग वीडियो भेजते, मेरा देख के दिमाग खराब हो जाता है। इतना भेंचोद गंदा भेंचोद इसका वीडियो देखना पड़ता है ना, मैं डिप्रेशन में चले जाता हूँ। तो घर पे जाके गांड मराओ ना अपनी दोनों मादरचोद, हाँ ओपनली तुम लोग भेंचोद झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। हाँ वो जलील कर रहा है तेरे को, वो मार रहा है, कोई आया बीच में तो उसको बोल रहा है हमारा पर्सनल मैटर है। अरे घर के अंदर गांड मराओ, मारो एक दूसरे को, मार दो भेंचोद जो करना करो, ऐसा ओपनली मत करो, दिखा रहे क्यों लोगों को? हाँ मादरचोद साले भेंचोद, मैं एक बार गया था, मैं एक बार कहीं तो जा रहा था, मैंने देखा था सेम ऐसा ही हो रहा था, सेम लड़का मार रहा था लड़की को चमाट। मैं बाइक से जा रहा था, मैं देखा कि भेंचोद मार रहा है लड़की को यार, मैं फटाक से गया उतर के, पब्लिक दो चार लोग ही थे, ज्यादा नहीं थे, दो चार लोग जमा थे। मैं बोला गए क्या हुआ, बोलते मालूम नहीं हम लोग भी देख रहे। मैं बोला देख रहे क्या, चलो ना। मैं गया, मैं यही बोला कि मारने का ना तेरे को घर पे जा, जो करने का घर के अंदर करो, बाहर कुछ नहीं करना मादरचोद ये सब। तुझे क्या लगता है ये थप्पड़ वो तुझे नहीं मार सकती थी? साले तुझे इतना मारती ना कि तू अपने पैरों पे अपने घर भी नहीं जा पाता। पता है तुझे उसने तुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि तू उसका पति है, वो तेरी इज्जत करती है। औरत को इतना कमजोर मत समझ। तुझे क्या लगता है वो तुझे कभी हरा नहीं सकती? ये अलग बात है कि वो तुझसे कभी जीतना ही नहीं चाहती। क्या मस्त ज्ञान चौधरी बीच में आके, हाँ लड़कियां कमजोर नहीं होती है। किसने बोला कमजोर होती है? किसी ने बोला कमजोर होती है? नहीं खुद से ही लड़कियां नहीं कमजोर होती है। अरे कौन बोल रहा है कमजोर होती है फिर? कोई बोल रहा है क्या? नहीं ना, कोई आज के टाइम पे ना कोई कमजोर नहीं है, ठीक है ना। हाँ दिमाग है, हाँ बस नहीं है तो ऐसा सब चूतियागिरी होएगी रोड पे। तुम लोग जैसे चूते लोग आएंगे बीच में, हाँ सेम ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ थे, एक पवई में फाउंटेन पे बैठा था मैं, दोपहर की बात है। अंकल आंटी थे, मैं बोला यार आपकी उम्र कितनी अंकल, हाँ ये सब कर रहे, मेरे को कुछ बोला नहीं हो। अरे कुछ नहीं हमारा मैटर है ये, मैं बोला मैटर है ना तो घर पे करो जाके, ये सब दुनिया को क्यों दिखा रहे तुम लोग? हाँ घर के अंदर गांड मराओ जो मराने का है भेंचोद, ऐसा सब ओपनली करो मत, कोई भी दिखता है प्लीज ऐसा बाहर मत करो। नहीं तुम लोग बोल पाते ना नॉर्मली, बोलो यार ऐसा सब मत करो ओपनली, घर पे जाके करो जो करने का है। हाँ चोद के रखिए दुनिया की पूरी भेंचोद।